राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आइए हम शरद पूर्णिमा के लिए पोशाक बनाते हैं, जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी है बनाना। तो हम यही वाली पोशाक बनाएंगे, बहुत कम खर्चे में ये बनकर मिनटों में तैयार होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसे बनाना। ये है यहाँ पे एक स्क्वायर टुकड़ा बुकरम का, जो कि 7x7 का है, 7x7 का है। इसको हम नहीं लेंगे, किनारी काट देंगे इसको, और इसे हम सर्कल शेप में काट लेते हैं। इसे हम सर्कल में काट लेते हैं। आप चाहें तो कोई सर्कल बर्तन रखकर भी इसे काट सकते हैं। ये हो चुका है, ये व्हाइट साटन है। इसे हम पेस्ट कर लेते हैं आयरन की मदद से। हमने पेस्ट कर ली है और इसे अब हम कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर लिया है। अब इसके पीछे के लिए हम लेंगे, ये व्हाइट कलर का ही मेरे पास लाइनिंग का है कपड़ा, तो इसे हम लगा लेंगे। इस सर्कल से थोड़े से बड़े हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने कट कर ली है। फिर हम इसे किनारे से ऐसे करते हुए चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो हम इसे कर लेते हैं। तो ये हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। ये हमारा चारों तरफ से किनारे सिल के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ये निशान लगा लेंगे। एक बराबर निशान लगा लिए, फिर ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से हम कमर के लिए कट कर लेंगे। यहाँ से हमने कट कर ली है। अब यहाँ से भी एक कट कर लेते हैं। यहाँ से भी हमने कट कर ली है। यहाँ एक हम निशान लगा लेते हैं कि यहाँ तक में हमें लेस लगाने हैं। तो इसके हम चारों तरफ निशान लगा लिए हैं। इस निशान से अंदर हमें नहीं लगाने हैं लेस, आधी आधी इंच की गैप पे हमने लगा ली है। यहाँ से हम इसे लगा लेते हैं। तो ये हमारा लेस लगकर तैयार हो चुका है। जो कि 4 इंच चौड़ा है और 46 इंच है, 4x46 इंच। अब इसमें हम प्लेट्स बना लेंगे। ऐसे करते हुए प्लेट्स बना लेंगे। तो ये हमारा प्लेट्स लग चुका है, ऐसे हमने लगा ली है। अब इसे हम थोड़े ऐसे ऐसे कर लेते हैं। और ये रहा हमारा बेस। अब इस पर हम ये जहाँ से प्लेट्स बनाए हैं ऐसे करते हुए ऐसे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ चारों तरफ से ऐसे ऐसे। इसे हम लगाकर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा लग चुका है चारों तरफ से। अब इसे हम कट कर लेते हैं, पीछे से ऐसे है, इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारा लग चुका है और इसका लुक फाइनल ऐसे आएगा। अब हम इसके दोनों तरफ ये नेट ऐसे मोड़ते हुए लगाकर लॉक कर देंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ से लॉक हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं इसी नेट से यहाँ पे अब हम नेफा बना लेते हैं। तो यहाँ हमने ये लगा ली है। अब इसमें हम नेफा लगा ली है। अब इसमें हम ये डोरी लगा लेते हैं। डोरी लगाते हुए ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा नेफा भी बनकर तैयार हो चुका है। और अब आप चाहें तो इसको ऐसे रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ये लेस लगाएंगे। इस टाइप का लेस है मेरे पास, तो यहाँ हम इसे लगा देंगे। ये हमने लगा दी है और अब हम चलते हैं इसका चोली बनाने। इसके लिए हमने ये नेट ली है, करीब 2 इंच चौड़ा है
और हमें चाहिए 11 इंच लंबा, तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये है, अभी इसे हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और ये वाली लेस हम यहाँ लगाकर सिल लेंगे। ये हमने सिलकर तैयार कर ली है, अब इसे हम ऐसे सिलाई कर देते हैं, यहाँ से ऐसे। आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे। हम इसे ऐसे करेंगे, यहाँ तक करीब 2 इंच। तो यहाँ हमने ये सिलाई कर ली है और अब इसे हम नेट से यहाँ ऐसे डोरी बना लेंगे, इसी में ऐसे अटैच करके डोरी बना लेंगे। तो हमने इसे यहाँ पे अटैच कर दी है और ये चोली बनकर तैयार हो चुका है। और ये हमने यहाँ भी लटकन बना दी है जिससे कि नेफा में ये नहीं घुस पाएगा। और ये हमारा पोशाक बनकर मिनटों में तैयार हो चुका। पूरा बनाने में हमको 15 मिनट लगा है।